हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया कल्चर स्टेया। और मैं हूँ स्टेया। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, ज्यादातर उन लोगों के लिए जिन लोगों को कमर और घुटने के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं जो नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको या किसी भी उम्र के हो, आप इस जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और ये घरेलू नुस्खे बहुत ही आसान है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हर चीज में मिलावट बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, ज्यादातर हमारे खान पीन के चीजों में। इस मिलावट के कारण से ही हमारे शरीर को बहुत तरीकों की परेशानियों से झूलना पड़ता है। खासकर कि हमारी सही मात्राओं में प्रोटीन और जो नेचुरल प्रोटीन होती है और जो सब तत्व होती है, उसके वजह से आपके शरीर में जो हड्डियाँ है उनमें कमजोरियाँ आ जाती है। दर्द इतना हद तक बढ़ जाती है जिसके कारण सह नहीं पाने से बहुत जन ऐसे भी हैं जो दवाई के सेवन करते हैं, लेकिन दवाई का सेवन करने से इस तकलीफ से ज्यादा देर तक इस छुटकारा नहीं मिलता है। ये कुछ देर तक दवाई के खाने से दर्द तो चले जाते हैं, लेकिन तुरंत फिर कुछ देर के बाद आ जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे नुस्खों बताऊंगी जिसको आप यूज करके इस परेशानियों से, इस दर्द से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और दवाई ज्यादा खाने से शरीर में साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए मैं आज एक आपको एक घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिसके मदद से आपके जो जोड़ों का दर्द है उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस नुस्खे को आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है सरसों का तेल, दूसरा है जायफल। जायफल जैसे गुठली के जैसे दिखता है वैसा जायफल ले लीजिए। जायफल को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में देकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को बना के आप स्टॉक करके भी रख सकते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा आप इसे ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस जायफल के पाउडर को आप एक बर्तन में लीजिए। एक चम्मच या दो चम्मच इस पाउडर को लीजिए। इसमें दो या तीन चम्मच सरसों का तेल डालिए। सरसों का तेल आप हल्का गर्म भी कर सकते हैं। इसमें डालकर दोनों सामग्री को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपका जहाँ पर दर्द है या आपके घुटनों में या गर्दन में या कमर में आपका कहीं भी जो दर्द है, आप उस जगह पर हल्के हाथों से मसाज करती है करते हुए 30 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ देने के बाद 30 मिनट के बाद इसे आप चाहे तो गर्म पानी से भी धो सकते हैं या नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। आपको इसी तरह से रेगुलर एक महीने तक फॉलो करना है। इसे एक महीने तक आप इसी तरह से यूज करेंगे तो आप देंगे आपके जो जोड़ों का दर्द है वो पूरी तरह से बिल्कुल दूर हो गया है और इसे यूज करने से कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आप इसे यूज करेंगे तो आप कमर के दर्द से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।